सलमान किस तरह आमिर खान का करियर दौड़ाएंगे, सलमान कैसे शाहरुख को फिर से सुपरस्टार बनाएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान खान से जुड़ी यही डिटेल। सलमान किसी मूवी को बहुत सोच समझकर कर रहे हैं, सिर्फ दोस्ती के लिए ही मूवी कर लेंगे, ये शब्द और सलमान की डिक्शनरी में नहीं। आमिर खान को लेकर भी सलमान का यही रुख सामने आया है। कई सालों बाद सलमान और आमिर को देखने की हसरतें फैंस की पूरी हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए सलमान के अपने टर्म्स एंड कंडीशन हैं। बताया जा रहा है कि आमिर और सलमान 30 सालों बाद एक साथ एक प्रोजेक्ट में दिख सकते हैं। ये मूवी अंदाज अपना अपना का दूसरा पार्ट हो सकती है। पहले खबर ये आई थी कि इस मूवी को रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ बनाया जाना है, मगर अब पता चला है कि सलमान इसका पार्ट होंगे। फिलहाल इसकी स्क्रिप्टिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिस पर राजकुमार संतोषी दिन रात पसीना बह रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अंदाज अपना अपना 2 को सलमान और आमिर के करेक्टर को ध्यान में रखते हुए लिखा जा रहा है। 30 साल बाद दोनों सितारे कैसा बिहेव करेंगे, ये पॉइंट भी स्क्रिप्ट में होगा। एक तरह से कहें तो अंदाज अपना अपना से आगे की कहानी होगी इसके सीक्वल में। खुद आमिर खान ने इस पर हिंट देते हुए कहा, फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी अंदाज अपना अपना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। 2010 के सलमान के एक ट्वीट पर आमिर खान के प्रोडक्शन ने भी जवाब दिया था, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे भी आमिर कई बार सलमान को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मूवी करने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं। टाइगर वर्सेस पठान सलमान खान का मस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है। सूत्रों की तरफ से सिग्नल मिला है कि इस मूवी पर काम स्टार्ट कर दिया गया है और जल्दी इसकी स्टार कास्ट को फाइनल किया जाएगा। सलमान के अलावा शाहरुख खान इसमें लीड रोल में हैं और इन दोनों ही सुपरस्टार पर यशराज फिल्म्स के करोड़ों रुपए दांव पर लगेंगे। कहा तो ये भी गया है कि स्पाई सीरीज की अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं, उन सब में सबसे खास होगी टाइगर वर्सेस पठान। इसके लिए फिलहाल छोटे छोटे स्टेप्स पर काम किया जा रहा है। मूवी में किस तरह बीएफएक्स का इस्तेमाल होगा, किस तरह के स्टंट किया जाएंगे, गानों की लाइन क्या रहेगी, सलमान और शाहरुख को एक बराबर मूवी में कैसे दिखाया जाएगा, मूवी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह ये दोनों कई सालों बाद फुल फ्लेज एक्टर के तौर पर एक दूसरे का साथ देंगे, इन सब बातों का ध्यान इसमें रखा गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सलमान ने शूटिंग की तारीखों को लेकर मेकर से बातचीत कर ली है और शाहरुख भी उन डेट्स पर राजी हो गए हैं। लोकेशन क्या रहने वाली है, इस पर एक बार फिर से सोच विचार किया जाएगा और फिर उसके बाद बॉलीवुड के 2 बड़े धुरंधरों को देखकर फैंस गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, सलमान खान की इन दोनों फिल्मों का आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।